अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हॉस्पिटल में रह गया था, सॉरी, वो इतनी मदद करने के बाद भी तुम मां की नजरों में गुनहगार बन गई। लेकिन मां ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई दे रही है। हमें नहीं पता मां कैसी होती है, हम तो बस किताबों में लिखी मां को जानते हैं, जो अपने बच्चों पर सब कुछ न्योछावर कर देती है, उन्हें बहुत प्यार करती है, जब गलती होती है तो डांटती है। हमने तो कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं, हमें नहीं पता कि माँ की डांट क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ की हंसी कैसी होती है, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि माँ जैसी भी होती है लेकिन कभी गलत नहीं होती, हमेशा सही होती है, सब कुछ सही करती है। इसलिए आज गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। I'm sorry, I'm really sorry. अंशुमन, तुम चल रहे हो हमारे साथ? बस लौट रहे थे तो इसी ने जाम लगा कर रखा था सड़क पर, क्या पता वहां भी भोले भाले लोगों को लूटने का इरादा हो इसका। अरे ये किसी की फ्रेंड हो ही नहीं सकती, ये लुटेरी है लुटेरी, जो सावन के पवित्र महीने में अपने लड़की होने का फायदा उठाकर अनजान रागीरों को लूटती है। सुमन, क्या हुआ? पर भाई, रिश्ता टूटने की वजह तो हम बन गए ना, वो परिवार हमारी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी का है और हम उस परिवार की नजरों में गुनहगार बने नहीं रह सकते। लेकिन तुमने नंदिनी को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? मौका ही नहीं दिया नंदिनी की माँ ने हमें। आरती की सगाई ना होने के कारण वो इतनी दुखी और नाराज हो गई कि उन्होंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्देश्य सही था ना, और वैसे भी मैं तुम्हें कल पटना के हॉस्टल छोड़ दूंगा, वहां तुम्हारी दोस्त नंदिनी मिलेगी, सारी गलतफहमी दूर कर लेना। नहीं भाई, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? माँ गंगा की घाट में लोग मनोकामना और जीवन की आस के साथ लौटते, लेकिन आज हमारी वजह से कोई निराश जा रहा है,
अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हमसे ही हुई ना। जब तक हम गलती को ठीक नहीं करते हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन तू जा कहाँ रही है? नंदिनी तुझे ना सुल्तानगंज से सीधा पटना फोर हो जाना चाहिए। सीरियसली नंदन भाई, कम से कम इस ड्रामे से तो बच जाती। या जो कुछ भी हुआ है और उसकी वजह से माँ को जो भुगतना पड़ेगा वो सबके जिम्मेदार तुम दोनों। माँ गुड़ी छूटती ना ये सब होता। जिस दिन तुमने पहली बार इस घर की चौखट बार की थी। ये चौखट केवल घर का दहलीज नहीं होता, ये घर की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का घेरा भी होता है। एक बहू होने के नाते जब चौखट के अंदर तुमने लाल पैरों का छाप छोड़ा था, तब राय बहादुर के खानदान को क्या वचन दिया था तुमने, वो भी याद कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने वचन पर खरी खड़ी हो, उसे निभाया है तुमने, तभी चलकर मेरे करीब आना, नहीं तो देवर जी के साथ चली जाओ कमरे में।